वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। और चूंकि आज हम आपकी फिटनेस के हवाले से बात करने वाले हैं और साथ साथ में आपको थोड़ा सूफी म्यूजिक भी हम सुनवाएंगे, जनाब हमें ज्वाइन किया है हमारी योगा एक्सपर्ट सलाफे नकवी ने, उनको वेलकम करेंगे। वेलकम करते जो सलाफे, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और जनाब उसके साथ साथ सूफी सिंगर हमारे पास इमान फातिमा, उनको वेलकम करते हैं। वेलकम टू द शो इमान, कैसी हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जनाब, क्योंकि अभी हम बात करेंगे फिटनेस के हवाले से और आज हम स्किन के हवाले से बात करने वाले हैं। अगर आपको अपनी स्किन अच्छी चाहिए, ग्लोइंग चाहिए, फ्रेश चाहिए और उसके अलावा आप चाहते हैं कि आपका जो कम्प्लेक्शन है आप उसी में प्यारे लगे, गोरा होने का मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रही, तो आपका जो कम्प्लेक्शन है अगर आप उसमें प्यारे रहना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ऐसा योगा जो हमें सलाफे बताने वाली है वो करें, कि तो आप बिल्कुल उसमें कामयाब हो जाएंगे, है ना सलाफे? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जो बात हमने क्लियर की है पहले वो वाकई मेरा भी दोहरा देना जरूरी है कि जो आपका कम्प्लेक्शन होता है आपको उसमें ही खुश होना चाहिए और इनसिक्योरिटी किसी चीज़ की नहीं होनी चाहिए, वही इंसान को अट्रैक्टिव बनाता है जो उसका असल में कम्प्लेक्शन होता है। सो हम वो नहीं कह रहे कि आपको फेयर कर देंगे, चेहरे पर ग्लो लाना और फ्रेशनेस लेकर आना। तो इसमें कॉजेज कुछ थोड़ी सी डिस्कस इसलिए कर लेते हैं कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही या कहीं तो आप स्ट्रेस लेते हो, जाहिर है जो आप इनर वर्ल्ड में आपके चल रहा होगा वही आउटर में आएगा, तो आपके चेहरे पर वो चीज़ आ जाएगी। प्रोसेस्ड फूड, डाइट इस तरह की अगर आपकी थोड़ी सी खराब है वो आएगी और उस वजह से आपका लगेगा चेहरा थका थका। यस, उससे भी कैफीन से बहुत फर्क पड़ता अच्छा, है नहीं आप फर्क नहीं तो, लेकिन गेस्ट मेरी चाय पे आ, लेकिन उसकी नहीं, मैं अरमला की चाय पे बिल्कुल नहीं आ रही, हम इसके अलावा बात करें तो ये जरा कॉजेज हैं थोड़े से। एक चीज का ख्याल रख लें, बेशक आपका मोबाइल है या कुछ भी है, सफाई का ख्याल रखें। कई दफा होता है हम हाथ हमारे साफ नहीं होते, चीजें हमारी साफ नहीं होती, इवन हमारा टॉवल साफ नहीं होता, वो हाथ जब हम यहाँ स्किन पे जब तो आप स्किन पे लिटरली इन्फेक्शन हो जाता है, भी तो स्किन खराब होती है। ठीक हो गया। अब स्किन सही करने के लिए और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है वो हम यहाँ ही बताएंगे। होता क्या कि आपने अपने थंब जो है यहाँ रखे अपनी नोज पर, ठीक है, अब ऊपर ये पॉइंट आप करोगे इस तरह से, इनको क्रॉस कर लोगे। इसके बाद आपने क्या किया, इनहेल किया, अब सांस रोक ली, ठीक, अब चिन डाउन होल्ड करते हुए आप एग्जेल, ये चीज करेंगे आपको खुद फील होगा। एक दफा बताते हैं, इनहेल होल्ड एग्जेल, ये चीज 10-12 साइकिल में आपको करनी होगी। दिन में 2-3 दफा अगर आप इस चीज को दोहराते हो तो आपको फील होगा कि आपकी जो स्किन है उस पर फ्रेशनेस आना शुरू हो गया। एक चीज सबसे आसान रेमेडी क्या होती है, हाथों को रब किया, थोड़ा ज्यादा नहीं, रब करने के बाद वही साफ होने चाहिए। यहाँ पर अगर आप इसको रखते हो आपका ब्लड जो सर्कुलेट करना दोबारा शुरू कर देता है आपकी स्किन में, और सुबह के टाइम उठते ही अपनी स्किन को टैप करना। ये तो हमें काफी दफा सलाफे बता चुकी कि आप इसको एक्टिवेट करें, बहुत ज्यादा ठीक हो गया। अच्छा जनाब ईमान फातिमा भी, ईमान क्या सुनाएंगे आप? मैं आपको सुफियाना कलाम सुनाऊंगी, अल्लाह अल्लाह। जबरदस्त, जरूर ईमान से सुन। तेरे ही नाम से हर इब्तिदा अल्लाह।
जबरदस्त 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 ईमान, थैंक यू वेरी मच इतना जबरदस्त कलाम सुबह सुबह सुनाने के लिए। अच्छा ये बताएं कि आइंदा आने वाले दिनों में किन प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है? मेरी न्यू एल्बम आ रही है और जिसका शूट जितना भी है ऑडियो और वीडियो दुबई में हो रहे हैं। लवली लवली, तो बाकी यही काम चल रहा है। अभी मुझे 2 डेज हुए आए हुए। अच्छा अच्छा, और फर्स्ट आपके शो में आई हूँ। अरे जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा सलाफ है, हम जरा उधर चलते हैं कुछ देखते हैं कोई स्किन के हवाले से। मैं आपने जो वाइट की जगह पे लाइव कॉल्स भी ले रहे हैं, सुलाफे हमें बता देंगे अगर आप अपनी स्किन के हवाले से कोई आपको प्रॉब्लम है कुछ लगता है तो सुलाफे आपको प्रॉपरली गाइड कर देंगे। जी सुलाफे क्या बताएंगे? अब यहाँ पर एक पहली चीज गाइड कर देते हैं कि 3 ऐसे पोज हैं जो आप अगर सिर्फ वही करते हो तो उसके इसके अलावा भी फायदे हैं, लेकिन आपकी स्किन जबरदस्त हो जाती है। पहला चाइल्ड पोज, सेकेंड फिश पोज और थर्ड आएगा योग मुद्रा। अब हम चाइल्ड पोज की वेरिएशन के साथ इसको बताएंगे करना क्या होता है। आप सिर्फ बैठे, इसे वज्रासन बोलते हैं, वज्रासन में जैसे ही आप बैठे उसके बाद खुद को थोड़ा सा स्ट्रेच किया पीछे को, स्ट्रेच करने के बाद आप सीधा आगे एक्सटेंड किया अपने हाथ को और आप नीचे चले गए, राइट। अब वेरिएशन क्या बोल रहे हैं, आपने अपना फेस उठाया डाउन अप एंड डाउन। इसके बाद मैं बोल रही हूँ फिश पोज एंड योग मुद्रा। योग मुद्रा किस तरह से होगा स्किन के लिए, हम अक्सर करते हैं एक पहले करते हैं हाथ या तो ऐसे लॉक किए होते हैं, यहाँ क्या करेंगे कोशिश करेंगे कि आपकी जो एल्बो है वो इस तरह रहे, बस आप उनको इस तरह पीछे बांधोगे अपने। ये किया, अब आपका फेस टच होता है नहीं होता आपको सिर्फ ट्राई करना है, ठीक है। इस तरह किया इनहेल, एक्सहेल करते आप एक नी की तरफ गए, यहाँ होल्ड किया, यहाँ सांस रोका। कुछ देर इसलिए होल्ड कर रहे हैं ताकि आपके फेस में ब्लड की सर्कुलेशन ठीक से हो। अगेन इनहेल, स्ट्रेच आउट, एक्सहेल, और अब जो लास्ट इसका होगा एक्सहेल सामने। अब आपका फेस नीचे लग रहा है नहीं लग रहा, जो भी आप ट्राई करोगे। अदरवाइज सबसे आसान क्या तरीका होता है, कोई भी स्टेप, कोई भी चीज या कुशन आप यहाँ रखा, उस पर आप अपना फेस रख सकते हो। अब जो हम थर्ड बता रहे हैं वो है फिश पोज। फिश पोज अगर आपसे नहीं होता तो पहली वो भी चीज मैं बता दूंगी, लेकिन पहले होगा कि ये ट्राई करना। क्यों ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए कि अगर आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं तो तब भी ये बैलेंस हो जाएंगे। जस्ट लाई डाउन, अगर आप अपनी लेग जिस तरह रख सकते हो स्ट्रेट रखनी स्ट्रेट रखें, खुद को लिफ्ट किया यहाँ, सिर्फ यहाँ रहे। अब आपने इसमें बात नहीं करनी जब आपकी नेक पीछे को होगी। होता क्या है, जितने भी आसन हैं ये एक शॉर्टकट बता देते हैं, या जितनी भी एक्सरसाइज कोई भी कर रहा है, तमाम वो एक्सरसाइज जिसमें आपके ब्लड की सर्कुलेशन ज्यादा हो, आपके फेस पर प्रेशर आए, या आपका जैसे कहते हैं सर झुका हुआ है या बिल्कुल पीछे को है, तो आपकी स्किन ज्यादा अच्छी होती है, क्यों आपके फेस में ब्लड दोबारा से सही से सर्कुलेट करना शुरू कर देगा। तो ये वो चीज होती है। अगर आपसे फिश पोज नहीं हो रहा और आपको लग रहा है कि ये डिफिकल्ट है मैं नहीं कर सकती, आपने क्या कोशिश करनी है, या तो अपनी लेग्स को बेंड रखें। अच्छा ये सबसे आसान होगा कि आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ किया, इस तरह हाथ रखे और फेस अपना पीछे को कर दिया, ये डबल चिन कम कर देगा। हाँ डबल चिन कम कर देगा। मुझे अभी सलाफे को देख के ख्याल आया कि मैंने अपनी डबल चिन कम कर दी। और हमने तो अभी एक और भी चैलेंज लिया हुआ है ना, वो अपने लाइंस का। हाँ लाइंस भी कर रहे हैं, वो चीज भी हो रही है। याद आता है कि मेरी लाइंस आ गई, फिर मैं एक लम्हे को करती हूँ उसके बाद फिर मैं भूल जाती हूँ। वो एक अभी आपको जैसे देखे मुझे ख्याल आया कि मैंने अपनी डबल चिन कम कर ली, तो मैंने यहाँ बैठे। और एक जो हम कोबरा पोज करते हैं, कोबरा पोज चाहे आप सिंपल करो जैसे बेबी कोबरा कहते हैं, या एक्सटेंडेड करो, जो भी वो आपकी मर्जी होगी, आपकी ईज पर होगा। अब आपको ये करना है कि या तो सिर्फ और सिर्फ आप आर्च में उठो, मकसद सिर्फ ये है कि आपका फेस पर प्रेशर आना चाहिए, यहां उठना है, डाउन या एक्सटेंड करो, सही, या लिफ्ट करो खुद। ये तो बहुत ही मुश्किल है भाई। तो ये आपकी मर्जी, सलाफे कर सकती है, मैं नहीं कर सकती। ये होगा नहीं कर सकता, ये समझ लें कि प्लैंक की तरह है, बिल्कुल प्लैंक होता है। और उसके साथ आपने लिफ्ट वो अपने चेन भी कर रही है, बता के रही है। तो अच्छा ये देखिए बात कर, इसमें एक शॉर्टकट है मजे की। अब इसमें योगा के जो फिर सुनने वाले कहेंगे वाकई हम नहीं करना है, इसलिए कि इसमें आपकी जो बैक है, जितना आप आर्च में आते हो, जितनी आप अपनी बैक का ख्याल रखते हो, उतना ही आप यंग रहते हो और यूथफुल रहते हो। ये शॉर्टकट हम बताएंगे जनाब। अगर आपसे नहीं हो पा रहा फिश पोज या ऐसा कुछ, लेकिन एक चीज याद रखें, हम क्यों कहते हैं आर्च बनाएं, चाहे आप बैठकर अपने बैक की आर्च बनाएं, चाहे बैठकर, ये चीज आपकी स्किन को भी अच्छा करेगा। साथ ही साथ हम एंटी एजिंग की जो बात कर रहे थे, योगा है, आपकी कमर सीधी रहती है,
आप उतना ही यूथफुल रहते हैं। तो जो मैंने पहले बताया कि उसको आप प्रैक्टिस करते हो फिश पोज को, तो सेम इस तरह से कोशिश असल में करनी है आपने, इससे आपका हार्ट भी हेल्दी रहेगा और साथ ही साथ आपकी स्किन भी। या आप कोशिश करो इस तरह रह जाओ पीछे, या प्लैंक की तरह आप अपनी एल्बो करोगे, लेकिन कोशिश करें आप इस पोज, ज्यादा प्रेशर ना, ज्यादा प्रेशर नहीं, सिर्फ इस तरह आप में स्ट्रेच भी आएगी, आपका जो हार्ट है जिनको कुछ इशू भी हो उसका, या कई दफा पेल्पिटेशन बहुत ज्यादा जिन लोगों को होती है, वो ये पोज अगर करते हैं हो सकता है कि वो उनको ये चीज बेहतरी की तरफ लेके जाएगी। या सीटेड कैट काउ, सिर्फ और सिर्फ सिंपल इनहेल, आपने इनहेल किया, एक्सहेल, ये सीटेड है। अच्छा, इनहेल करते हुए आपने स्क्वीज करना, इनहेल किया तो आपका पेट बाहर आना चाहिए। अच्छा, बाहर आना चाहिए, बस आपको स्ट्रेच आउट करना है और सेम आपकी जो बैक है उसकी आर्च बनेगी, आर्च बनाई और वापस ले गए, इसलिए इसको कैट काउ कहते हैं। तो इसमें आपने फिर बिल्कुल यहाँ स्क्वीज करोगे जब आप एंड पर आओगे, तो ये आपकी स्किन के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, आपके स्टमक के लिए भी, जो आपका ये एरिया है उसके लिए अच्छा है। तो बेसिकली अगर आप ये देख ले तो आपकी स्किन ग्लो करेगी क्योंकि आपका स्ट्रेस दूर होगा। लवली सलाफ, एक छोटा सा मैसेज हमारे देखने वाले, सिर्फ और सिर्फ स्किन के हवाले से यही बात करेंगे कि जो भी कॉम्प्लेक्शन है आप उसमें कॉन्फिडेंट रहें, आप ब्यूटीफुल हैं और अपने आप को यही कहें कि आई एम ब्यूटीफुल एवरी डे एंड एवरी वे, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। लवली, थैंक यू वेरी मच सलाफ, बहुत शुक्रिया। जनाब ईमान फातिमा हमारे साथ मौजूद है, ईमान से जरूर फरमाइश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे इजाजत ले लूँ, इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, हफ्ता है, मतलब मंडे है, अभी पूरा हफ्ता आ रहा है आपके साथ जनाब। और फीडबैक के लिए हमारा फेसबुक पेज है जागो लाहौर के नाम से, इनकेस आज का शो आपने मिस किया तो शाम 5 बजे रात 1 बजे रिपीट भी होगा। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़, लेकिन ईमान फातिमा से हम बल्ले बल्ले सुन। बल्ले 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 बल्ले।